वो जो मजारात हैं जहाँ पर 10,000 जिन्नातों की ड्यूटी लगती है जी जी जी, वहाँ पे हाजिरी कराऊंगा जी। और एक मजार की आपको खुसूसन हाजिरी कराऊंगा जी जी, काफी लोगों को क्या मालूम है नहीं जी जी, बहुत कम लोग मजार के बारे में जानते हैं जी जी। वो हुजूर गरीब नवाज के ससुर साहब जी हजरत सैयद वजीउद्दीन मशहदी रहमतुल्लाह जी जी, उनकी मजार है जी, जो इंशाल्लाह आपको आज हाजिरी कराएंगे जी, वहाँ भी दुआ खैर भी करेंगे जी जी, और भी कुछ तारीखी हकीकत से आपको वाबस्ता हम कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग डिग्गी बाज़ार से निकल चुके हैं आगे की तरफ और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द पहुंच जाएंगे जो मज़ार की आज हम आपको ज़्यारत करवाने वाले हैं। और जैसा कि हमें अज़र भाई ने बताया कि वहां पर जो है 10,000 जिन्नात रहते हैं और इंशाल्लाह आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो 10,000 जिन्नात कहाँ पर रहते हैं। और इंशाल्लाह आज हम आपको ये भी बताएंगे कि वो जो मज़ार है जिस मज़ार की आज हम आपको ज़्यारत करवाने वाले हैं वहाँ की क्या करामात हैं, वहाँ के जो खादिम साहब हैं इंशाल्लाह हम अभी उनसे भी मिलेंगे और उनसे मिलकर के हम उस जगह की भी हम आपको जानकारी देंगे। सब्सक्राइब कीजिए हजरुल रहमो चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हजरुल, आप देख रहे हैं हजरुल चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ज़्यारत करवाने वाला हूँ एक ऐसी बारगाह की और एक ऐसी मज़ारात की जो कि बहुत ही करामती मज़ारात है और कहा यह जाता है कि वहाँ पर लगभग 10,000 जिन्नातों का बसेरा है। इंशाल्लाह आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कि वो जगह कहाँ पर है और जो मज़ार की मैं आपको ज़्यारत करवाने वाला हूँ वो मज़ार शरीफ कहाँ पर है। और आज हमारे साथ में सैयद अज़हरुद्दीन चिश्ती जो कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम साहब हैं। इंशाल्लाह आज हमें जो भी जानकारी देंगे अजर भाई देंगे। तो अजर भाई आप हमें आज क्या क्या जानकारी देंगे? अस्सलाम वालेकुम सबको, मेरा इंशाल्लाह आज मैं आपको ऊपर लेके जाऊंगा जी। सबसे पहले तो वो जो मज़ारात हैं जहाँ पर 10,000 जिन्नातों की ड्यूटी लगती है जी जी जी, वहाँ पे हाजिरी कराऊंगा जी। और एक मज़ार की आपको खुसूसन हाजिरी कराऊंगा जी जी, काफ़ी लोगों को क्या मालूम है नहीं जी जी, बहुत कम लोग मज़ार के बारे में जानते हैं जी जी। वो हुजूर गरीब नवाज के ससुर साहब जी हजरत सैयद वजीउद्दीन मशहदी रहमतुल्लाह जी जी, उनकी मज़ार है जी, जो इंशाल्लाह आपको आज हाजिरी कराएंगे जी, वहाँ भी दुआ खैर भी करेंगे जी जी, और भी कुछ तारीखी हकीकत से आपको वाबस्ता हम कराने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपको अजर भाई बता रहे हैं कि आज हम आपको जो मज़ारात की ज़्यारत करवाएंगे वो मज़ारात हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से थोड़ी दूर पर मौजूद है। और अभी हम जहाँ पर मौजूद है ये जो एरिया है ये डिग्गी बाज़ार है और यहाँ से आपको तालागढ़ सरवार शरीफ नागौर शरीफ और सामर शरीफ के लिए आपको यहाँ से गाड़ी मिल जाएगी। और आज हम जो जाएँगे इस गाड़ी से जाएँगे और जो कि इंशाल्लाह हम इस गाड़ी से बहुत ही जल्द पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग डिग्गी बाज़ार से निकल चुके हैं आगे की तरफ और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द पहुंच जाएंगे जो मज़ार की आज हम आपको ज़्यारत करवाने वाले हैं। और जैसा कि हमें अज़र भाई ने बताया कि वहां पर जो है 10,000 जिन्नात रहते हैं और इंशाल्लाह आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो 10,000 जिन्नात कहां पर रहते हैं और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से वो मज़ार कितनी दूरी पर है। और इंशाल्लाह आज हम आपको ये भी बताएंगे कि वो जो मज़ार है जिस मज़ार की आज हम आपको ज़्यारत करवाने वाले हैं वहाँ की क्या करामात हैं और जो है इंशाल्लाह वो जगह की हम आपको काफ़ी सारी जानकारी देंगे और वहाँ के जो खादिम साहब हैं इंशाल्लाह हम अभी उनसे भी मिलेंगे और उनसे मिलकर के हम उस जगह की भी हम आपको जानकारी देंगे। और अभी हम चल ही रहे हैं, जैसा कि हमने अभी डिग्गी से अजर भाई के साथ में गाड़ी में बैठे हैं और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द पहुँच जाएँगे। और ये जो आप सामने रोड देख रहे हैं ये रोड तालागढ़ जा रहा है। अभी हम डिग्गी बाज़ार से इस रोड की तरफ आए हैं और डिग्गी बाज़ार से जो भी आपको गाड़ी लेकर के तालागढ़ जाएगी तो इसी रोड से वो गाड़ी लेकर के जाएगी और हम भी इसी रोड से जा रहे हैं। और जो मज़ार की आज मैं आपको ज़्यारत करवाने वाला हूँ वो मज़ार भी जो है तालागढ़ में है। और तालागढ़ में वो मज़ार शरीफ कहाँ पर है और वो 10,000 जिन्नातों का जो बसेरा है वो कहाँ पर है और उस मज़ार शरीफ की क्या करामात है इंशाअल्लाह आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे।
और वहाँ के जो खुदाम हजरात हैं अभी हम उनसे भी मिलेंगे और उनसे मिल कर के और अजहर भाई के साथ में जो भी वहाँ की मालूमात है, जो भी जानकारी है वो इंशाल्लाह हम आपको देंगे। जैसा कि आप देख ही सकते हैं अभी हम लगातार चल रहे हैं गाड़ी में, बहुत ही जल्द इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। अभी हम आगे जा कर के मुड़ेंगे तालागढ़ की रोड की तरफ, ये रास्ता जो है ये रास्ता सीधा जा रहा है, अभी आगे हमें मुड़ना पड़ेगा इंशाल्लाह। अभी हम बहुत ही जल्द वहाँ पर मुड़ेंगे। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं ये हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह से जो ये जगह की जो दूरी है वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है। अभी हम हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह से हज़रत ख्वाजा खाजगान, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर अभी हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ से जहाँ पर अभी हम लोग मुड़ेंगे, जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है वो इंशाल्लाह हम आपको बोर्ड भी दिखा देंगे, वहाँ से जो तालागढ़ की जो दूरी है वो लगभग 6 किलोमीटर की दूरी है। तो इंशाल्लाह ये जो 6 किलोमीटर की दूरी है वो भी हम बहुत ही जल्द पूरी कर लेंगे। जैसा कि आप देख ही सकते हैं हमारी वीडियो के ज़रिए से ये रोड का जो मंज़र है ये मंज़र आपको नज़र आ रहा है और ये मंज़र जो है काफ़ी खूबसूरत मंज़र है। और इंशाल्लाह जो तारागढ़ का मंज़र है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तारागढ़ का जो मंज़र है काफ़ी खूबसूरत मंज़र है और तारागढ़ की जो पहाड़ी है, जो चढ़ाई है वो भी हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे किस तरह से गाड़ियाँ वहाँ पर चढ़ती है, क्योंकि रोड जो है काफ़ी पेचीदा रोड है। तो इंशाल्लाह हम आपको वो रोड भी दिखाएंगे, क्योंकि हम उसी रोड से जाएंगे जो मज़ार शरीफ की आज हम आपको ज़ियारत करवाएंगे और जहां पर 10,000 दिनातों का जो बसेरा है उस जगह पर जाने के लिए हमें पहले तारागढ़ जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो मज़ार शरीफ है वो तारागढ़ में ही है और वो जगह भी जहाँ पर 10,000 जिन्नातों का बसेरा है वो जगह भी तारागढ़ में ही है। तो इंशाल्लाह अभी हम चल रहे हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं रोड का मंज़र, गाड़ियां चल रही है, हम गाड़ियों के पीछे हैं और हमारी कार बिल्कुल लगातार आगे की तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहा है। और इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़े वैसे ही हमारी मंजिल जो है वो करीब आ रही है। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हम पहुँच जाएँगे। और इस तरफ आप देख लीजिए ये जो मंज़र है ये तारागढ़ पहाड़ी का मंज़र है। और इंशाल्लाह अभी हम यहीं पर जाएँगे और दूर से आपको जो मंज़र नज़र आ रहा है ये जो ऊंचाई है लगभग 3,000 फीट है, ये जो ऊंचाई है तारागढ़ की लगभग 3,000 फीट है। और ये 3,000 फीट की जो दूरी है वो इंशाल्लाह आज हम इसी गाड़ी में तय करेंगे। और हमारे अजहर भाई जो है गाड़ी को चला रहे हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं वीडियो में अजहर भाई अभी गाड़ी चला रहे हैं और अभी हम इंशाल्लाह लगातार चल रहे हैं। और हमारी गाड़ी की जो स्पीड है वो लगभग 30 से 40 की स्पीड है और इंशाल्लाह 30 से 40 की स्पीड में हम पहुंच जाएंगे बहुत ही जल्द तारागढ़। और अभी हमारी गाड़ी लगभग 60 की स्पीड में आ चुकी है। अजहर भाई गाड़ी को काफ़ी तेज़ी से भगाते हुए चल रहे हैं ताकि हम बहुत ही जल्द पहुंच जाएं। और आप यहां से देख सकते हैं लगभग यहां से जो तारागढ़ की जो दूरी है वो लगभग 6 किलोमीटर की दूरी है। आप यहां सामने बोर्ड पर देख सकते हैं, मैं आपको इस तरफ से दिखा देता हूं। ये हम लोग यहां पर मुड़ चुके हैं और यहां से जो तारागढ़ की दूरी है वो लगभग 6 किलोमीटर की दूरी है और हमें अभी इस तरफ जाना है और हमारे अजहर भाई गाड़ी चला रहे हैं। तो आइए हम आगे की तरफ चलते हैं और आगे का जो मंज़र है वो भी हम आपको दिखाते हैं। और आप ये जो रोड देख रहे हैं ये रोड सीधा तारागढ़ की तरफ जा रहा है। जितनी भी गाड़ियाँ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के करीब में जो डिग्गी बाज़ार है और या फिर ढाईदिन के झोपड़े से जितनी भी गाड़ियाँ तारागढ़ की तरफ आती है वो सारी गाड़ियाँ इसी रोड से तारागढ़ की तरफ जाती है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं ये जो गेट है ये तारागढ़ का जो चढ़ाई का रास्ता है वहाँ पर अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, आप देख ही सकते हैं हमारी वीडियो के ज़रिए से। तो इंशाल्लाह इसी रास्ते से अभी हम लोग जाएँगे। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है ये जो आप रोड देख रहे हैं अभी हम इसी रोड से आए हैं और अभी हम इस तरफ से आपको इस तरफ का क्या मंजर है वो भी हम दिखाएंगे। देखो पत्थर वगैरह तो ये है कि पानी का बहाव आता है ना, जो उसके साथ में बारिश में पत्थर बह के पहाड़ के नीचे आ जाते हैं। जी 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 वही जगह जी है। क्या ये पहले के टाइम में रास्ता था, क्योंकि अभी ऐसा दिख रहा है कि ये कोई रास्ता रास्ते की तरह से बना हुआ है? रास्ता था नहीं लेकिन पानी के बहाव से रास्ता बन गया है। जी 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 चलने लायक जमीन हो गई। जी 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 ये पूरा जंगल जो है एक्चुअल में जी पुराने टाइम में ये अजमेर शहर था। जी जी किले की दीवारें आपको पहाड़ों पर दिख जाएंगी। जी 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 वो आप जूम करके देखेंगे वहाँ पर मैं। जी जी गेट है दोनों पहाड़ों के बीच। जी 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 आपको दिख जाएगा यहाँ पर। जी जी यही गेट है वो। हाँ यही गेट है वो। जी ये पुराने टाइम में चेक पोस्ट हुआ करते थे। जी 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 जो फौजी वगैरह आती थी। जी जी चेक पोस्ट होती थी और जो अंदर आते थे उनकी चेकिंग वगैरह वहाँ पर करी जाती थी। जी जी जी
जंगल है, काफ़ी जंगली जानवर भी यहाँ पे पाए जाते हैं, खासतौर पर इन्हीं इलाकों में। जी जी। और पीने के पानी के लिए यहाँ पर एक पुरानी बावड़ी है जी, आपको बिल्डिंग दिख रही है ना जंगल के बीच। जी जी जी। तो जंगली जानवर खासतौर पर यहीं पे पानी वगैरह पीने आते हैं। जी 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 जी। देख सकते हो आप वो बावड़ी दिख रही है आपको नीचे जूम करके, एक मकान है बना हुआ और उसके पास में ही पीने के पानी का जी जी बावड़ी। जी, तो हम आगे की तरफ चलते हैं और आगे का क्या मंजर है वो भी हम आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों आप यहां से मंजर देख सकते हैं तालागढ़ का, और अभी हम जो है नज़दीक पहुंच चुके हैं तालागढ़ के। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जो तालागढ़ की जो पहाड़ी है, पहाड़ी के बिल्कुल ही हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं, जो तालागढ़ का जो एरिया है अभी हम लोग तालागढ़ में हैं। जैसा कि अजहर भाई ने शुरुआती में ही आपको वीडियो में बताए थे कि हज़रत ख्वाजा खाजगान, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के जो ससुर हैं उनकी जो मज़ार है वो यहीं पर है। अभी हम अजहर भाई के साथ में इंशाल्लाह चलेंगे और हज़रत ख्वाजा साहब के जो ससुर हैं उनकी मज़ार मुबारक की हम आपको इंशाल्लाह ज़्यारत करवाएंगे। और ये हमारे बबलू भाई हैं जो कि तालागढ़ के खादिम साहब हैं, और बबलू भाई और अजहर भाई दोनों ही आज हमारे साथ में हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। तो इंशाल्लाह हम अभी आगे की तरफ चलेंगे और बबलू भाई और अजहर भाई के साथ में, और आगे की क्या जानकारी है वो बबलू भाई और अजहर भाई आज हमारे को देंगे। तो जैसे कि आप दोस्तों ये गेट देख रहे हैं, इसी गेट से अभी हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे और आगे का क्या मंजर है वो भी हम आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में दिखाएंगे। ये गेट जी केरला के जो गेट है वो हमारे ताया हैं वजीउद्दीन, उन्होंने बनवाया जी, मेहमानों ने ही बनाया था जी, ये मेहमान ने बनवाया था और एक वजू खाना जी जी। तो आइए हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे का क्या मंजर है वो भी हम आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। जो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं गेट के बिल्कुल ही अभी हम लोग सीधा सीधा चल रहे हैं। बबलू भाई, वो जो जहाँ से घोड़े की आवाज़ आती है वो क्या चीज़ है? वो जो सरकार के घोड़े पे बैठ के आप आए थे जी, टाप मारा था जी 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 जी, टाप मारा था तो उसमें से पानी का चश्मा जारी हुआ था जी 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 जी, वजू बनाया जी जी, नमाज पढ़ी और आपने शहादत जी जी जी। तो वो जगह आप हमें दिखाइए, वो जगह कहाँ पर है? चलिए आगे। तो जैसा कि दोस्तों अभी हमें बबलू भाई बता रहे हैं घोड़े ने जो अपनी टाप मारी थी वहाँ से पानी आया था, चश्मा जारी हुआ था, वो जगह भी हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे कि वो जगह कहाँ पर है। जिंदा मौजूदा है कि वहाँ आवाज़ आती है जी, पैर की। हाँ जी, एक जिंदा मौजूदा है, एक करामत है कि आज भी उस जगह से घोड़े की चलने की आवाज़ आती है, टाप मारने की आज भी आवाज़ आती है जी जी। तो ये जगह जी कुइया है जी, बोलते हैं इसी में से पानी का चश्मा जारी हुआ था जी जी, ये वही जगह है जी। जी, जैसा कि दोस्तों आप अभी ये जगह देख रहे हैं, अभी हजरत बता रहे हैं हमें कि ये वही जगह है जहां पर घोड़े ने टाप मारी थी और आज भी यहां से घोड़े की टाप मारने की आवाज़ आती है। और ज़ायरीन ख्वाजा जो भी यहां पर आते हैं तालागढ़ में वो आज भी आकर के अपने कान लगा करके इस जगह पर सुनते हैं। तो आप इस तरफ देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, अंदर है ख्वाजा साहब के ससुर की मज़ार। तो अभी हम इंशाल्लाह ये जो आप गेट देख रहे हैं इसी गेट से अभी हम अंदर की तरफ जाएंगे और अंदर का क्या मंजर है वो भी हम आपको दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों अभी हम अंदर पहुंच चुके हैं और हमारे साथ में अभी बबलू भाई हैं और अजहर भाई हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं हमारी वीडियो के ज़रिए से आगे की तरफ चल रहे हैं। और जी बबलू भाई जी बताइए, हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के ससुर हैं, हज़रत ख्वाजा वजीउद्दीन मशरी आपका नाम है जी जी, और सब इनके साथ में जो शहीद हुए थे जी जी जी, साथ में आए थे जी जी जी, उनकी मज़ार आते हैं जी। तो जैसा कि दोस्तों आप ज़्यारत कर सकते हैं हज़रत ख्वाजा खाजगान, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के जो ससुर साहब हैं उनके मज़ार मुबारक की। दोस्तों मैं बिल्कुल मज़ार मुबारक के सामने खड़ा हूँ, ये मज़ार मुबारक है हज़रत का, आप हमारी वीडियो के ज़रिए से ज़्यारत कर सकते हैं। ये जो मज़ार मुबारक है तालागढ़ में है, और बबलू भाई इस जगह को क्या बोलते हैं तालागढ़ में? गंजे शहीदा जी जी, इस जगह को गंजे शहीदा कहते हैं और यहीं पर है हज़रत की मज़ार मुबारक, आप हमारी वीडियो के ज़रिए से ज़्यारत कर सकते हैं। बबलू भाई, हम जब यहाँ पर आए थे तो हमने यहाँ की कुछ करामत सुनी थी, कुछ वाकया सुना था, तो आप हमें यहाँ का थोड़ा बताइए। यहाँ का ये सुना, हमने भी कभी देखा नहीं, दस आशीर्वाद तो हम उधर लगे थे सर। जी 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 जी। लेकिन जो अंदर कोर्ट से आशीषा जी 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 लोकल आते हैं जी जी, वही मुझे देखते हैं बतलाते हैं जी, निकलता है खून किस तारीख को निकलता है? 10 तारीख आशूरा, आशूरे के दिन जी जी जी, आज भी निकलता है वो मुझे, हमने देखा जी जी जी, लोग लोगों का ऐसा मानना है
जी, तो जैसा कि दोस्तों ये जो जगह देख रहे हैं आप, हमें बबलू भाई बता रहे हैं और हमने भी ये बात को सुना है और ऐसा लोगों का मानना है कि इस जगह से दूध की धारा निकलती है आशुरे वाले दिन। एक में दूध की धारा और एक में खून की धारा निकलती है आशुरा वाले दिन, ऐसा लोगों का मानना है। ज़ोहर के वक्त जो शहादत इमाम हुसैन का वक्त है ना, जी जी, के लिए निकलती है, कुछ वक्त के लिए, कुछ वक्त के लिए निकलती है। तो आप हमारी वीडियो के जरिए से इस जगह की ज़ियारत कर सकते हैं। ये वही जगह है जहाँ से दूध और खून की धारा निकलती है आशुरे वाले दिन। और इस तरफ जो है दोस्तों आप देख ही सकते हैं, ये बबलू भाई जरा आप हमें इधर, ये सब इनके साथ में जो शहीद हुए थे ना, जी जी जी, उनकी मजार आते हैं, जैसे अपन पेटी में कपड़े रखते हैं, जी जी जी, न जाने कितनी कितनी लाशें दफन है, जी जी जी, तो ये ऊपर से ही गिनते हैं लोग, जी जी, औरंगजेब बादशाह के टाइम से बात चली है, जी उनको गिन नहीं सका, कम ज्यादा रहते हैं फासला, जी जी, दो पांच के फासला, लेकिन आता हूं मैं आपको बताना चाहूंगा, जी जी अजहर भाई, कि हुजूर गरीब नवाज जोहर के वक्त, जी जी जी, आए दिन झोपड़े में जोहर की नमाज अदा करी आप सरकार ने, जी जी, तो यहाँ पे जो शहीद हुए थे उनको 3 दिन हो गए थे शहीद हुए, जी जी, टाइम पूरा जंगल एरिया था, जी जी, इतनी मालूम थी नहीं लोगों को, जी जी, तो तीसरे दिन जो आपके शहीदों की जिस्म थे उनसे बू आने लगी, तो सरकार गरीब नवाज को वहाँ पर वो खुशबू आई, जी जी, तो हुजूर गरीब नवाज ने फरमाया अपने खुदामों से अपने मुरीदों से कि हमें ऊपर शहीदों की खुशबू आ रही है, जी जी, तो जब सरकार गरीब नवाज ऊपर आए तो यहाँ पर शहीदों की बहुत लोग शहीद हुए थे, हजारों की तादाद में लोग शहीद थे, तो इन गन शहीदा के अंदर एक गन शहीदा, ये तारागढ़ पे है, तो एक गन शहीदा मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखवाया था, हजरत तकीना की, जी जी, तो बारगाह में भी है, जी, तो सरकार गरीब नवाज ने एक एक कब्र के अंदर अपने हाथों से 50 आदमी 60 आदमी दफन करे हैं, ये करामात थी सरकार गरीब नवाज उस दौर की। तो जैसा कि दोस्तों अभी आपको अजहर भाई बता रहे हैं, ये जो जगह है ये गन शहीदा है और इनमें जो आपको मजारात दिख रहे हैं, ये मज़ारात में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि इसमें कितने बुज़ुर्ग हैं एक मज़ार में। लोगों का मानना है और लोगों से हम सुनते आए हैं और अजहर भाई ने भी हमें बताया है कि राजा महाराजाओं के टाइम से लेकर के आज तक कोई भी शख्स जितने भी शहीद के आपको मज़ार नज़र आ रहे हैं, इन मज़ारात को कोई भी आज तक गिन नहीं सका है। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो के ज़रिए से ज़्यारत कर सकते हैं गंज शहीदा की। और बबलू भाई वो जो मज़ार है वो एक अलग ही है, वो सुनते हैं बुजुर्गों की बतलाई बात है कि जी जी, पर जिन जो थे ना जिनों के सरदार हैं, जी जी जी, उनकी औलाद में से है, उसकी शौकत है सवार किताब में भी वाकया है, जी जी, बुजुर्गों से भी सुना है, जी जी, कि ये जाफर जिन जो थे ना, जी जी, जिनों के सरदार थे, उनकी औलाद में से हैं, जी, वो इनके साथ में हजूर गजनी उसके ससुर के साथ में आए थे, जी जी, तो इस जंग में आप भी शहीद, जी जी। तो जैसा कि दोस्तों अभी हमें जो बबलू भाई हैं वो जानकारी दे रहे हैं, जो जाफर जो जिन थे, हजरत जाफर जो जिन थे, वो सारे जिनों के सरदार हैं, उन्हीं की औलाद में से हैं आप, जो मज़ार मुबारक है ये हमें बबलू भाई बता रहे हैं, जो जिसमें चादर चढ़ी हुई है, और इंशाल्लाह अभी हम वहाँ पर चलेंगे, वो मज़ार मुबारक की हम आपको इंशाल्लाह पास से ज़्यारत करवाएंगे, तो आप मज़ार मुबारक की ज़्यारत कर सकते हैं। यही मज़ार मुबारक है जो हजरत जाफर जो जिन थे उन्हीं की आल औलाद में से हैं ये, जैसा कि हमें बबलू भाई बता रहे हैं और अजहर भाई। तो आप हमारी वीडियो के ज़रिए से ज़्यारत कर सकते हैं मज़ार मुबारक की। दोस्तों अभी हम इस वक्त मौजूद हैं जो हुजूर गरीब नवाज के ससुर साहब हैं उनके मज़ार मुबारक के बिल्कुल ही करीब में, और इंशाल्लाह अभी हमारे लिए आपके लिए अजहर भाई दुआ करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन वअला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातु वसलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीनिर रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسقين إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم
अमलम तुम जिनुम लायक मनून हतम अल्लाह वला कुलूबहिम वला समाहिम वला अबसारहिम गुशावतुम वला मुजाम नजीम अल्फातिहा। एलाउल आलमीन, ये पाक कलाम मैंने पढ़ा, इस पाक कलाम को तेरी बारगाह इलाही में पेश करता हूँ, तेरी बारगाह में कबूल मकबूल अता फरमा। इसका हदिया हुजूर अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक को पहुँचा, उस मकाम में महमूद फ़ायज़ फरमाए जिनका अंसर तूने वादा फरमाया, बेशक तो अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं जाता। इसका नजराना तमाम अम्बिया एहतराम, तमाम अज़वाज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम सहाबा एहतराम, तमाम अहले बैत, तमाम ताबईन तबे ताबईन, तमाम शहीदान इस्लाम, तमाम शहीदान करबला, तमाम गौस, तमाम अब्दाल, तमाम दस्तगीर, तमाम कुतुब, तमाम ख्वाजा, तमाम कलंदर, तमाम औलिया अल्लाह, तमाम मजदूब, तमाम मोमिन मोमिनात और तमाम मुस्लिम मुस्लिमात को उसका नजराना दर्जा ब दर्जा पहुँचा। बिलखसूस इस पाक कलाम का नजराना नजर का सवाब सरकार रूह ख्वाजा वजीउद्दीन मशहदी अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक को पहुँचा। जो कुछ पढ़ा तेरी बारगाह में हमने उसको कबूल मकबूल अता फरमा, पढ़ने में जो भी गलती गुस्सा की उसको माफ़ अता फरमा मेरे मौला, बेशक तेरी ज़ात रहमान और रहीम है मेरे मालिक। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनतस्सलाम व अलैका जुस्सलाम हैन रब्बना व इस्लाम व अदखिलनल जन्नता दार अस्सलाम तबारक रब्बना व तआला इतियादल जलाल व इकराम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबन क़ब्र व क़िना अज़ाबन हश्र व क़िना अज़ाबन दैन व क़िना अज़ाबन दारैन। हुज़ूर पाक सरवर कायनात खास खुलासा मौजूदा अफ़ज़लुल मख़लूक़ात सैयदुल मुरसलीन ख़ातिमुन नबीयीन रसूल रब्बिल आलमीन हबीबल्लाह तबीबिलते गुनाह मत मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा बादशाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुतबतुल औलिया बुरहानुल असिया सिराजुल मिल्लते वद्दीन इमामुल मुत्तकीन मुकर्रब बारगाह रहमान हुज़ूर ख्वाजा एकल ख्वाजगान सैयद ख्वाजा उस्मान हारूनी बड़ सरकार कुद्दुस राउल अज़ीज़ सुल्तानुस सालिहीन बुरहानुल आशिकीन ताजुल मुकर्रबीन वल मुहक्किकीन बंदगी खुतबुल अवतार हुज़ूर ख्वाजा एकल ख्वाजगान सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मा अजमेरी गरीब नवाज कुद्दुस राउल अज़ीज़ जमियाल मैं औलाद में वालदैन शरीफ़ैन मुरीदैन ख़ानदान चिश्तिया कादरिया नक्शबंदिया सहरवर्दिया अबूलिया जहंगरिया बतुफ़ैल हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या हुज़ूर सरकार गरीब नवाज, हम आपकी बारगाह के सवाली हैं सरकार, आपकी बारगाह में आए हैं सरकार, करम फरमाइए गरीब नवाज, आपके सुसु साहब की बारगाह में हम हाजिर हैं हुज़ूर गरीब नवाज, इनके वसीले से हमारी बिगड़ी बना दीजिए हुज़ूर गरीब नवाज। या हुज़ूर ख्वाजा वजीउद्दीन मशहदी अलैहिस्सलाम हमारी सलाम, हमारी कदम उसी आपकी बारगाह में कबूल कीजिए हुज़ूर, हम गुनाहगार हैं गुस्ताख हैं सरकार, आपकी बारगाह में हाजिर व हाजिर कबूल मकबूल अता फरमाइए। इस वीडियो के जरिए जितने लोग भी आपकी बारगाह में इस दुआ में शामिल हो रहे हैं उन सब पे करम कीजिए हुज़ूर, जिनके घरों में हुज़ूर बीमार है बीमारों का शफाई कामिल अता फरमाइए सरकार, आप बेशक अल्लाह के वली हैं, अल्लाह की राह में शहीद हुए, अल्लाह आपकी सुनता, अल्लाह आपसे राज़ी हुज़ूर, इनके घरों में बीमार बीमारों को शफा अता फरमाइए, जो लोग नाउलाए उनको नेके साले औलाद अता फरमाइए, जो लोग मकरूज़ हैं कर्ज़ में डूबे हैं कर्ज़ निजात अता फरमाइए हुज़ूर, इनके घरों में बच्चे जवान हैं बच्चों के लिए नेक रिश्ता अता फरमाइए, बच्चों के फ़राइज़ अदायगी अता फरमाइए, कारोबार बेरोज़गार में खैर बरकत तरक्की अता फरमाइए, हमेशा कामयाबी से कामरानी से आई आपकी बारगाह में तमाम लोगों को हाजिर होने की तौफीक दीजिए हुज़ूर, सबको हज बैतुल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब अता फरमाइए। या हुज़ूर करीम नवाज करम कीजिए सरकार, करम कीजिए करीम नवाज, हम गुनाहगार गुस्ताख आपके गुलाम हैं सरकार, हमारी बिगड़ी बना दीजिए हुज़ूर करीम नवाज सरकार। या सुल्तानुल हिंद करीम नवाज मोइनुद्दीन मोइनुल हक हबीब अल्लाह आईना बेस दिल्ला मदद कीजिए हम सबकी खुदा राफी सबिल्लाह बगिर दाबे बलाफ्ता तकश्ती ज़ई फ़ानो शिकस्तरा तो पुश्ती बहक के ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। या हुज़ूर आप रोशन ज़मीर है सरकार, हमारे तमाम दिलों के हाल आपको रोशन है गरीब नवाज, तमाम दिलों की जायज़ हाजतों को पूरा फरमाइए सरकार, सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाइए हुज़ूर करीम नवाज सरकार, आलम इस्लाम का बोलबाला अता फरमाइए हुज़ूर करीम नवाज सरकार। वकाल अल्लाह तबारक व तआला फी शान अज़मत हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सलातु वस्सलामु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हक़ कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोस्तों अभी हमारे लिए अजहर भाई ने दुआ कर दिया है, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के जो ससुर साहब हैं उनके मज़ारे मुबारक के वहाँ पर अभी अजहर भाई ने हमारे लिए दुआ कर दिया है, और अब हम उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर 10,000 जिन्नातों का बसेरा है, और इंशाल्लाह अभी हम बहुत ही जल्द पहुंच जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी आगे अजहर भाई और बबलू भाई जा रहे हैं। दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रोड के बिल्कुल ही करीब में, जितनी भी गाड़ियाँ
हुजूर गरीब नवाज की बारगाह के बिल्कुल ही करीब में है डिग्गी बाजार और ढाई दिन का झोपड़ा। जितनी भी गाड़ियां वहां से आती है तालागढ़ के लिए वो इसी रोड से आती है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी वीडियो के ज़रिए से रोड के बिल्कुल ही करीब में पहुंच चुके हैं। और ये जो जगह है आप जो हमारी वीडियो के ज़रिए से देख रहे हैं, ये जो जगह है, ये जगह अभी हम इंशाल्लाह बबलू भाई से पूछेंगे कि ये जगह कौन सी जगह है और इस जगह में क्या होता था पहले, वो भी हम आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में बताएंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख ही सकते हैं अभी हमारे बबलू भाई जो हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। जी हज़रत आप हमें बताइए इस जगह के बारे में, आइए। बावड़ी राजा महाराजाओं की बनाई हुई है। जी जी जब पानी नहीं था पीने जी तो यहाँ के जो खुद्दाम हजरात जो रहने वाले हैं रहवासी जी 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 उनके लिए बावड़ी बनाई थी। जी जी तो पानी स्टॉक होता था बारिश के अंदर जी जी सब लोग इस्तेमाल करते थे। जी जी तो जैसा कि दोस्तों हमें अभी बबलू भाई बता रहे हैं ये जो जगह है इस जगह में बारिश का जो पानी है बरसात का जो पानी है पूरी पहाड़ी में से यहाँ पर आकर के जमा होता था। बबलू भाई इस जगह पर जो पानी आकर के जमा होता है उसको फिल्टर किस तरह से किया जाता था? उस जमाने में फिटकड़ी से पका के डाला जाता था। जी फिटकड़ी किस तरह से डालते थे? फिटकड़ी को किसी पानी में उबाल के जी जी छोड़ देते उस पानी को फिल्टर हो जाता पानी। अच्छा 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 फिटकड़ी को किसी भगोने वगोने में या किसी बड़े बर्तन में उसको उबाल करके इसी पानी में डाल देते थे। फिटकड़ी को पानी में उबालते थे, फिटकड़ी उबल करके पानी में मिक्स हो जाती थी। जी 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 फिटकड़ी रहती नहीं थी, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती थी। जी 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 तो उस पानी को उस बावड़ी में डाल दिया जाता, यहाँ पर डाल दिया जाता था। डालते थे और जो घरों में मटकों में पानी लेके आते थे उनमें भी डाले जाते थे। जी जी उनमें भी डाला जाता था। और कोई दूसरा रास्ता उससे जो जर्म्स और बैक्टीरिया थे चले जाते? नहीं नहीं, और फिल्टर करने का और कोई दूसरा तरीका? गरीबा गरीबी वाला ईंट का था। हाँ ईंट का, ईंट का बताइए। जला के उसको मटकी में छोड़ देते थे। अच्छा ईंट को जला करके पूरा भून करके ईंट को पूरा भून करके उसको मटकी में छोड़ दिया जाता था। बैक्टीरिया खत्म हो जाता और वो पानी फिल्टर हो जाता था। जी जी तो जैसा कि दोस्तों आपको बबलू भाई बता रहे हैं कि यहाँ से जो पानी लोग लेकर के जाते थे, यहाँ से जो लोग पानी लेकर के जाते थे वो अपने घरों में ले जाके मटकी में रखते थे। कुछ लोग फिटकरी से उसको फिल्टर करते थे और कुछ लोग ईंटों से फिल्टर करते थे। तो अभी हम इंशाल्लाह इस तरफ चलेंगे। जो जगह है जैसा कि हमने आपको बताया हमारी वीडियो में 10,000 जिन्नातों का बसेरा और जो मज़ार मुबारक है, जिस मज़ार मुबारक की आज हम आपको ज़्यारत करवाने के लिए लेकर आएँ वो मज़ार मुबारक इसी तरफ है। तो इंशाल्लाह आइए हम चलते हैं आगे की तरफ और हम आपको ज़्यारत करवाते हैं वो मज़ार मुबारक की और 10,000 जिन्नातों का जहाँ पर बसेरा है वो जगह हम आपको दिखाते हैं। अभी शाम हो चुकी है और अभी हम थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं आगे की तरफ, तो आइए चलते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हम रोड के इस तरफ आए हैं, रोड के बिल्कुल ही करीब में है ये जगह। और यहाँ पर बबलू भाई ये जो मज़ार मुबारक है ये किन की है? जैसा कि हमें बबलू भाई बता रहे हैं इस मज़ार मुबारक को नौ गज पीर के नाम से जानते हैं। जी बबलू भाई यही नाम है ना? नौ गज बाबा, नौ गज पीर। हाँ तो आइए हम आपको ज़्यारत करवा देते हैं। मैंने सोचा चलते चलते मैं आपको ज़्यारत करा दूँ। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के ज़रिए से मज़ार मुबारक की ज़्यारत कर सकते हैं, हज़रत नौ गज बाबा की। कुछ लोग नौ गज पीर भी कहते हैं और नौ गज बाबा भी कहते हैं। जी बबलू भाई यही कहते हैं ना? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो के ज़रिए से मज़ार मुबारक की जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है। इनको नौ गज़े बाबा कहते हैं। आप हमारी वीडियो के ज़रिए से ज़्यारत कर सकते हैं। तो आइए हम अभी उस तरफ चलते हैं जहाँ की आज हम आपको ज़्यारत करवाने वाले हैं, जो जिन्नातों का बसेरा है, 10,000 जिन्नातों का जहाँ पर बसेरा है। इंशाल्लाह अभी हम उस तरफ चलेंगे। शाम हो चुकी है तो हमें थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, तो अभी हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं। और आप यहाँ का मंज़र देख सकते हैं दोस्तों, पहाड़ी का ये मंज़र है और ये जो है आप किले का मंज़र देख सकते हैं। ये जो किला है ये अजमेर शरीफ तालागढ़ का किला है। आप हमारी वीडियो के ज़रिए से ये मंज़र देख सकते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों आप यहाँ का मंज़र देख ही सकते हैं हमारी वीडियो के ज़रिए से। और अभी हम इस तरफ चलेंगे, इस तरफ का क्या मंज़र है वो भी हम आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों आप यहां से जो है अजमेर की खूबसूरती देख सकते हैं। ये अजमेर शरीफ का मंज़र है और इस तरफ जो है आप इस तरफ देख सकते हैं ये तालागढ़ की जो दरगाह शरीफ है वो यहां से बिल्कुल नज़र आ रही है। और अभी हम इस तरफ चलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10,000 जिन्नातों का जो जगह पर बसेरा है वो जगह आज मैं दिखाने वाला हूँ और जो यहाँ पर मज़ार मुबारक हैं वो मज़ार मुबारक की आज मैं आपको ज़्यारत करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी हम उस जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर 10,000 जिन्नातों का बसेरा है और यहाँ की जानकारी हमें बबलू भाई और अजहर भाई देंगे। देखो बबलू भाई और ने भी उनके बुजुर्गों को सुना है। जी 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 यहाँ पर रहते हैं ये लोग, यहाँ के जी 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 कि यहाँ पर 10,000 जिन्नातों का बसेरा है जो
कि सरकार गरीब नवाज की बारगाह में खिदमत करते हैं जी जी, उनकी बारी बारी ड्यूटी लगती है गरीब नवाज के दरबार में रात के वक्त जी, वो लोग यहाँ पर रहते हैं और मगरिब के वक्त यहाँ पर आना मना ही है क्योंकि जिन्नातों का मामला है यहाँ पर में, कोई पाक साफ रहता है कोई नापाक रहता है, कोई हादसा किसी के साथ ना हो जाए जी। कई आलिमों के साथ में कुछ एक आलिम था जिनके बारे में बबलू भाई ने मेरे को बताया था कि वो अमल कर रहा था यहाँ पर, उसकी टांग तोड़ दी थी जिन्नातों ने, कुछ नापाकी पाकी का मसला हो गया था, ध्यान भटका और कुछ जिन्नात ने पाइप फेंका था, टांग तोड़ गई थी जी जी जी। ये मसला है, अब अंदर अपन चलते हैं जी जी आगे। तो अंदर शहीद बुजुर्गों के मजार हैं जी जी जी, वहाँ पर भी ज़ियारत आपको करा देते हैं जी। तो जैसा कि दोस्तों अभी हम आगे की तरफ चल रहे हैं और ये वही जगह है जहाँ पर 10,000 जिन्नातों का बसेरा है, आप हमारी वीडियो के जरिए से देख सकते हैं इस जगह को, आज भी ये जगह यहाँ पर मौजूद है जी। अदर किले की दीवार है जी, जो 1,000 साल पुराना किला है ना जी जी, उस दौर का जी दीवार है, और यहीं पर ओरिजिनल कंडीशन में भी जी जी, और यहीं पर है वो बसेरा, यहीं पर है वो बसेरा, इसी जगह पर है ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं इस जगह को, ये जो दीवार है इस जगह को आप देख ही सकते हैं। तो आइए हम आगे की तरफ चलते हैं जी। तो दोस्तों ये जो दीवार है, दीवार के बिल्कुल ही करीब में यहाँ पर मज़ार मुबारक है, अभी हम आपको यहाँ की ज़्यारत करवाएँगे। तो अभी हम आगे की तरफ चल रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप ये मज़ार मुबारक की ज़्यारत कर सकते हैं जी अज़र भाई। ये बुजुर्ग का मज़ार है, इनका नाम बबलू भाई बता रहे हैं कि हजरत परकोटे वाले बाबा जी जी से फेमस है जी, हजरत परकोटे वाले बाबा के नाम से फेमस है ये मज़ार जी जी। ये भी उस दौर के ही शहीद हैं, बुजुर्ग हैं जी जी, जो जंग हुई थी बुजुर्ग गरीब नवाज के दौर में जी जी। आगे भी कई शहीदों के मज़ार आपको देखने को मिलेंगे जी, आइए हम आगे भी चलते हैं जी। तो आप हमारी वीडियो के ज़रिए से मज़ार मुबारक की ज़्यारत कर सकते हैं और इंशाल्लाह अभी हम आगे की तरफ चलेंगे और आगे का क्या मंज़र है वो भी हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। ये जो मज़ार मुबारक है जहाँ पर 10,000 जिन्नातों का बसेरा है, उस जगह के बिल्कुल ही करीब में है, जैसा कि हमने आपको बताया जो 10,000 जिन्नातों का जो बसेरा है वो यहाँ पर है, आप हमारी वीडियो के ज़रिए से देख सकते हैं दोस्तों। और जो मज़ार मुबारक है हमने आपको ज़्यारत करवाई, वो मज़ार मुबारक यहाँ पर है और अभी हम आगे की तरफ चल रहे हैं और आगे का क्या मंज़र है वो भी हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों आप यहाँ का जो मंज़र है वो देख ही सकते हैं, यहाँ का मंज़र जो है काफ़ी खूबसूरत है, आप हमारी वीडियो के ज़रिए से देख सकते हैं और अभी हम इस तरफ से चलेंगे। तो दोस्तों आप ये मज़ार मुबारक की ज़्यारत कर सकते हैं, जैसा कि हमें बबुल भाई बता रहे हैं और अजर भाई, ये जो बुज़ुर्ग है ये शहीद हैं, आप हजरत की मज़ार मुबारक की ज़्यारत कर सकते हैं और हम जो आए हैं वो इस तरफ से आए हैं और आपका जो मज़ार मुबारक है वो यहाँ पर है, आप हमारी वीडियो के ज़रिए से ज़्यारत कर सकते हैं। अभी शाम का वक्त है और शाम के टाइम का जो मंज़र है वो आपको हमारी वीडियो के ज़रिए से नज़र आ रहा है और ये वो जो मंज़र है ये काफ़ी खूबसूरत मंज़र है। तो आइए हम आगे की तरफ चलते हैं और आगे का क्या मंज़र है वो भी हम आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये जो आप जगह देख रहे हैं ये तालागढ़ में है और तालागढ़ की जो दरगाह है, दरगाह के बिल्कुल ही करीब में है और जो मैंने आपको 10,000 जिन्नातों का जो बसेरा बताया वो वहाँ पर है और वहाँ के वो जो आपको दीवार दिख रही है वहाँ के बिल्कुल ही करीब में एक मज़ार मुबारक है, वहाँ की भी हमने आपको ज़्यारत करवा दी है और इंशाअल्लाह अभी हम आपको यहाँ की ज़्यारत करवाएँगे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख ही सकते हैं अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो के ज़रिए से इन मज़ार मुबारक की आप ज़्यारत कर सकते हैं। बबलू भाई तो आप हमें यहाँ की थोड़ी जानकारी दीजिए। ये बचपन में हमने देखा, बचपन से देखते आए जी जी जी, ये तो छोटे पहले कच्चे मज़ार थे जी जी जी, बाद में कोई तेल व्यापारी था वो नीचे का जी जी जी, उसको बशारा दी थी तो उसने यहाँ पर ये सब टाइलें लगवाए पाँचों मज़ार पर जी जी, पहले कच्चे मज़ार थे, पहले ये मज़ार कच्चे थे लेकिन नाम हमें नहीं मालूम उनके, इनके साथ वाले हैं परकोटे बाबा के साथ। तो दोस्तों आप ये जो मज़ार मुबारक देख रहे हैं ये शहीद हैं और परकोटे वाले बाबा जो हैं, जो जहाँ पर 10,000 जिन्नातों का बसेरा है उनके बिल्कुल ही करीब में जो मज़ार मुबारक था उन्हीं के साथ में के ये पाँच पीर है, यहाँ पर पाँच मज़ार है, लोग इस जगह को पाँच पीर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इस जगह को जो है लोग पांच पीर के नाम से भी जानते हैं और ये जो है शहीद है, जैसे कि हमें बबलू भाई बता रहे हैं ये जो है शहीद है। और बबलू भाई यहाँ पर जो है ये जगह क्या है, ये मेहराब है, मस्जिद, छोटी सी मस्जिद है जी जी, पुराने टाइम में वो मेहराब बनी है, निशान बाकी कुछ तो शिकस्ता हुई जी जी,
जी, जैसा कि दोस्तों हमें बबलू भाई बता रहे हैं, ये जो है ये मस्जिद का मेहराब है। तो दोस्तों ये जो आप मज़ार मुबारक देख रहे हैं, ये मज़ार मुबारक हज़रत पांच पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह की है। यहाँ पर पांच मज़ार हैं और ये जो है ये शहीद है, और इनके जो मज़ार मुबारक है, मज़ार मुबारक के सामने ही यहाँ पर ये मस्जिद है। वज़ूर पाक सरवर कायनात खासलात मौजूदा अब्दुल मखलूकात सैयदुल मुर्सलीन खातुम नबी नसूल रब्बिल आलमीन हबीबुल्लाह हबीबुल्लते गुनाह अहमद मुश्तफा मोहम्मद मुस्तफा बासफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबतुल औलिया बुरहानुल असिया सिराजुल मिल्लते वद्दीन इमामुल मुत्तकीन मुकर्रबे बारगाह रहमान हुज़ूर ख्वाजा कुल ख्वाजगान सैयद ख्वाजा उस्मान हारूनी बड़े सरकार कुद्दुस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुल्तानुस सालिहीन बुरहानुल आशिकीन ताजुल मुकर्रबीन वल मुहक्किकीन बंदगी खुतबुल इख्तार हुज़ूर ख्वाजा कुल ख्वाजगान सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमाजमेरी गरीब नवाज कुद्दुस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहू पाक पाँच पीर अलैहिस्सलाम कुद्दुस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीआल में औलाद में वालदैन शरीफैन मुरीदैन ख़ानदान चिश्तिया कादरिया नक्शबंदिया सहरवर्दिया अबूलिया जहंगरिया वतुफ़ैल हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमीन इस बात साफ जगह हम आके खड़े हुए हैं, दुआ मांग रहे हैं तेरी बारगाह में। इन शहीदों के वसीले से हमारी दुआओं को तेरी बारगाह में कबूल मकबूल अता फरमा। जो भी परेशानियाँ हमारी हैं तब कुछ तेरे को रोशन है बारी ताला, हमारी तमाम परेशानी को दूर अता फरमा। मौला अली मुश्किल कुशा के सदक़े तुफ़ैल में हमारी मुश्किल कुशाई अता फरमा मेरे मौला। शहदाए करबला के वालों के सदक़े में मुश्किल कुशाई अता फरमा मेरे मौला। उज़ूर करीम नवाज़ के शरीफ़ैन वालदैन के सदक़े तुफ़ैल में हमारी मुश्किल को आसान फरमा मेरे मौला। करीम नवाज़ के ये तमाम पांच पीर आपकी बारगाह में सलामी पेश करिए, कदम उसी हमारी कबूल कीजिए। जाने अनजाने जो गुस्ताखी की हो उसको माफ़ अता फरमाइए। अब अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के राह में शहीद हूँ, अल्लाह की बारगाह में हमारे हक में दुआ फरमाइए। अब अल्लाह से अल्लाह आपसे राजी है बेशक। या सुल्तानुल हिंद करीम नवाज़ मोइनुद्दीन मोइनुल हक हबीब अल्लाह आइना बेइज़्ज़िल्लाह मदद कीजिए। या हुज़ूर हम सबकी खुदा राफ़ी सबिल्लाह बगैर दाबे वाला अफ्ताद कश्ती सही पानो शक सरात पुश्ती बहक ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती इन अल्लाह वमलाइकतहु युसल्लून अला नबी या अय्युल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद नूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति मा यसिफून वसलामु अलल मुरसलीन वलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़ कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो दोस्तों हमने आपको यहाँ की ज़्यारत करवा दी है। यहाँ पर जो है पांच मज़ार है और इस जगह को पांच पीर बाबा के नाम से भी लोग जानते हैं। यहाँ पर पांच मज़ार है और ये जो मज़ार है शहीदों के मज़ार हैं। और दोस्तों हज़रत ख्वाजा गरीबनवाज रहमतुल्लाह अलैह के जो ससुर साहब की जो मज़ार मुबारक है वहाँ की भी हमने आपको ज़्यारत करवा दी है, और जहाँ पर 10,000 जिन्नातों का बसेरा है वो जगह भी हमने आपको दिखा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो के बारे में कुछ बोलना है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए बाय बाय।